सो गाइज फाइनली वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइज फाइनली बड़ी न्यूज आते हुए, आपका जो एडमिशन का कट ऑफ डेट था जो कि कल था 13 सितंबर शाम को 5 बजे, वो एक्सटेंड हो चुका है। अभी आपको और 2 दिन मिलने वाले हैं स्पॉट राउंड के लिए। अभी हम स्क्रीन पे देखेंगे कि आपका अभी एडमिशन कट ऑफ डेट क्या है और मेजर पुणे के कॉलेजेस का क्या अपडेट है। पुणे के कॉलेजेस में सब मारामारी हो रही है, पुलिस आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इस वीडियो में हम ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना गाइज। सो गाइज फाइनली आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी हम सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। तो जैसे आप वेबसाइट पे नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको कट ऑफ डेट दिख जाएगा। कट ऑफ डेट फॉर द ऑल काइंड ऑफ एडमिशन फॉर द स्पॉट राउंड वैकेंसी राउंड एडमिशन इज 15 सितंबर, जो कि एक्सटेंड हो चुका है। अभी आप सभी के पास 13 सितंबर, 14 सितंबर एंड 15 सितंबर और 3 दिन का आपके पास समय है। 15 सितंबर को शाम को 5 बजे सारे टाइप के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। आपके पास अभी भी टाइम है, अभी कई सारे कॉलेजेस अपने स्पॉट राउंड के फॉर्म्स रीओपन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डीजे सांगवी ने अपना फॉर्म रीओपन किया है, तो अभी भी आप रात के मतलब 11 बजे तक फॉर्म ओपन है, तो अभी भी आप वेबसाइट पर जाके डीजे सांगवी का वैकेंसी स्पॉट का फॉर्म भर सकते हो, तो वो एक फॉर्म ओपन है। बाकी बहुत सारे कॉलेज वापस से रीओपन करेंगे, आपको कॉलेज में विजिट करना है, वहाँ पे जाके फॉर्म भरना है फॉर द स्पॉट राउंड जो भी आगे फर्दर डेट्स को कंडक्ट होंगे। अभी आज आपका VIT PCCOE में बहुत हलचल हुआ, बहुत सारे पेरेंट्स आए थे कॉलेज के बाहर, पुलिस बुलाई गई थी बिकॉज सब चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी। एंड गाइस एक मेजर डाउट आता है कि विश्वकर्मा VIT पुणे के इंस्टीट्यूशन के सीट्स कहाँ गए? जो 500 सीट्स थे VIT के पास, वो उन्होंने किस तरीके से अलॉट किए किसी को कुछ मालूम नहीं है। जब कॉलेज को ये क्वेश्चन पूछा गया, कॉलेज ने भी बोला कि हमको भी नहीं मालूम, मैनेजमेंट को मालूम है, और मैनेजमेंट के पास कोई आंसर नहीं है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के कि आप VIT आपका PCCOE सब कॉलेज में पूछो कि इंस्टीट्यूशन के सीट्स किस तरीके से अलॉट हुई है और किन को अलॉट हुई है, किस बेसिस पे अलॉट हुई है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में मैनेजमेंट के थ्रू बहुत सारी सीटें चली गई हैं। और CET सेल को भी इस तरीके का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारी सीट मैनेजमेंट के थ्रू जा रही है, ये पूरा एक बिजनेस बन चुका है। तो मैं यही बोलूँगा सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कि आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कॉलेजेस को कि इंस्टीट्यूशन के सीट्स कहाँ गई। और अगर आपको मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूरी स्टोरी बताओ, VIT में क्या चल रहा है, PCCOE में क्या चल रहा है, PICT में क्या हुआ, कमिंस में भी क्या हुआ। प्लीज़ आपको अगर मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक बार पूरा सा थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्टिव आंसर प्रोवाइड करना। एंड गाइज हमारे एक फ्राइडे को सेशन होने वाला है, फ्राइडे को वेब डेवलपमेंट के ऊपर फ्री सेशन है और हर एक बच्चे को आपका सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो गाइज फ्राइडे का सेशन अटेंड करना, इट्स ऑन कम्प्लीटली ऑन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेबसाइट्स कैसे बनती है, मॉडर्न वेबसाइट के लिए कौन कौन से फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, इसके ऊपर आपको बहुत सारी अच्छी इंसाइडर्स मिलेगी। तो वो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो भी स्टूडेंट रजिस्टर करेगा उनको सर्टिफिकेट तो मिलने ही वाला है। तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, तो उस पहले तो वहाँ पे रजिस्टर करके रख देना, सर्टिफिकेट तो हर स्टूडेंट्स को मिल जाएगा गाइज। और वो सर्टिफिकेट अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल पे अपलोड कर सकते हो, आगे आपको काम आएगा फर्स्ट ईयर में। सो गाइज यही था, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बता देंगे। बाकी हमारे लाइव स्ट्रीम देखते रहो, लाइव स्ट्रीम पे पूरे डे का हम आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं कि आज पूरे दिन में किन किन कॉलेजेस में क्या क्या हुआ, तो लाइव स्ट्रीम देखना मत भूलना गाइज। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और वीडियो को जरूर लाइक करके जाओ गाइज़।